हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की सेकंड पोयम द लेबरनम टॉप इसे पढ़ेंगे। और ये पोयम लिखी गई है टैग हक्स के द्वारा। इसके जो पोएट हैं टैग हक्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए कवर करते हैं आज की पोयम द लेबरनम टॉप। स्टूडेंट्स, आपको बता दें लेबरनम एक विषैला पेड़ होता है और यह उसी पर लिखी गई एक पोएम है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो लेबरनम पेड़ की चोटी है वह बिल्कुल शांत है, गतिहीन है और तीसरे पहर का समय अर्थात आफ्टरनून का समय है और उस समय सूर्य की जो धूप है वह पीले रंग की पड़ रही है और सितंबर का महीना है अर्थात पतझड़ का महीना है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं। पतझड़ के मौसम में जैसे आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इस वृक्ष के सारे बीज झड़ चुके हैं। तो इन लाइनों में पोएट्स कहते हैं कि लेबरनम पेड़ की जो चोटी है बिल्कुल शांत है और पतझड़ के मौसम में सितंबर माह में पेड़ के कुछ पत्ते पीले हो गए हैं और सारे बीज झड़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिर्प, और यह शांति तब तक बनी रहती है अर्थात लेबरनम टॉप, लेबरनम का जो पेड़ है वह हिंदी में बोला जाता है उसको अमलतास, अमलतास का पेड़ तब तक शांत रहता है टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक एक सोन चिड़ी उस पर नहीं आ जाती विद ए टीचिंग चिर्प, और तेज आवाज़ में चीची करते हुए, और यह शांति तब तक बनी रहती है जब तक गोल्डफिंच नामक चिड़िया चहचहाती उस पर नहीं आ जाती। ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और अचानक ही तीव्रता के साथ वह एक शाखा के किनारे पर आकर बैठ जाती है। सडननेस अचानक, स्टार्टलमेंट अचानक होने वाली गतिविधि, और वह एकदम एक ब्रांच के किनारे पर आकर बैठ जाती है। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, और वह इस तरह से सरकती है, खिसकती है जैसे कि एक छिपकली, एंड अलर्ट सतर्क रहते हुए, एंड एब्रप्ट चौकन्नी रहते हुए, और वह चौकन्ना रहते हुए एक छिपकली की भांति खिसक जाती है, चलती है कहाँ पर, सी एंटर्स द थिकनेस, और वह पेड़ के अंदर शाखाओं के अंदर जहाँ पर थिकनेस है ज़्यादा घनी पत्तियाँ हैं वहाँ पर सरक जाती है, और अचानक ही वह पेड़ की घनी पत्तियों में एक छिपकली की भांति चौकन्नी रहते हुए सरक जाती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और जैसे ही वह अंदर जाती है एक मशीन चालू हो जाती है अर्थात उसके बच्चे फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, अचानक ही एक गतिविधि होने लगती है, जो पेड़ अब तक शांत था वह अब गतिशील होने लगता है। ऑफ चिर्पिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स द वूल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और बच्चों के चिर्पिंग की आवाज़ होती है, चहचहाने की आवाज़ होती है, एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उनके पंखों के फड़फड़ाने का शोर होता है, एंड थ्रिलिंग्स, और उनका कड़ड़ाव होता है, बच्चे ची ची की आवाज़ करते हैं। द वुड ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स अपने आप ही कांपने लगता है अर्थात ऐसे महसूस देता है जैसे कांप रहा हो, हिलने लगता है, एंड थ्रिल्स, और झूम उठता है अर्थात वह भी खुशी से झूम उठता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और यह उनके परिवार का इंजन है अर्थात जो चिड़िया है वह अपने परिवार का मुखिया है, वह उनको भोजन कराती है और उनकी देखरेख करती है। सी स्टॉक्स इट फुल, और वह उन्हें पूरी तरह से दाना खिलाती है, बच्चों को पूरा फीड कराती है। देन फ्लिट आउट टू ए ब्रांच एंड,
और तब वह खिसक कर एक ब्रांच के एक शाखा के किनारे पर बाहर आ जाती है, शोविंग हर बेड फेस आइडेंटी मास्क। और वह अपने उस चेहरे को बाहर की ओर आइडेंटी कराती है, पहचान कराती है, जो उसकी वास्तविक पहचान है। अर्थात जो ये सोन चिड़ी होती है, ये आधी काली और कुछ सुनहरे रंग की पीले कलर की होती है, जो उसकी पहचान है। देन विद एरी डेलिकेट विशिल चिर्प विस्परिंग सी लॉन्च्ड अवे टुवार्ड्स द इन्फिनिट। और तब वह विशिल चिर्पिंग डेलिकेट विस्परिंग चिर्पिंग और तब वह तीखी आवाज़ में विस्परिंग ची ची की आवाज़ करती हुई सीटी की आवाज़ करती हुई सी लॉन्च्ड अवे उड़ जाती है टुवार्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट होता है स्काई, एंडलेस स्काई, बहुत विशाल आकाश में। तब वह तेज सीटी की आवाज़ करती हुई एक विशाल स्काई में, विशाल आकाश में, अंतहीन आकाश में उड़ जाती है, लॉन्च्ड अवे चली जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और लेबनम का जो पेड़ है वह पुनः शांत हो जाता है, अर्थात उसमें शांति छा जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जो लेबनम का पेड़ है वह पहले शांत होता है, बाद में उसमें गतिशील हो जाता है, और फिर वही कंडीशन उसकी दोबारा हो जाती है और वह पुनः शांत हो जाता है। यहाँ पर पोएट ने लेबनम के पेड़ की, अमलतास के पेड़ की तीन स्थितियाँ बताई है। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।